सिक्स पिलर्स ऑफ एनएलपी, एनएलपी के छह स्तंभ क्या है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। ये पार्ट टू है, भाग दो। एनएलपी जो पिलर के ऊपर खड़ी है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा, ये बेसिक छह स्तंभ है जिसको आपको मानना पड़ेगा और उसके ऊपर पूरा एनएलपी का प्रोग्राम है। तो ये क्या है, तो वो बात करेंगे। नंबर एक है यू। यू मतलब आप खुद। यदि आप एनएलपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यदि आप वापरेंगे नहीं, यदि आप एक्शन लेंगे नहीं, तो एनएलपी कोई काम की नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी आपके लाइफ की, आपके प्रॉब्लम की, एनएलपी को इस्तेमाल करने की। और वो जब आप करते हैं तो आपको फायदा होगा। द चॉइस इज योर्स। नंबर दो, प्री सपोजिशंस। प्री सपोजिशन मतलब बिलीव्स। एनएलपी के कुछ बिलीव्स है, बिलीव मतलब जिसके ऊपर भरोसा रखती है एनएलपी या विश्वास है। वो बिलीव्स जो है, वो बिलीव को आपको स्टडी करना होगा और वो मानना होगा, क्यों नहीं, ये बिलीव जो है वो बराबर है, और वो बिलीव्स के ऊपर काम करना है। वो बिलीव्स कौन से, उसके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। मगर नंबर दो है प्री सपोजिशंस, मतलब बिलीव्स कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है एनएलपी के लिए, जो गाइड करते हैं हमको हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने में। नंबर तीन जो है वो है रैपो, कि आपको सामने वाले के साथ में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आना जरूरी है, मेल जोल के एक होके काम करना जरूरी है, सामने वाले को समझना जरूरी है, उसके साथ में बहुत इंटीमेसी आना जरूरी है। तो वो रैपो कैसे एस्टेब्लिश करना, विच इज़ वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग और रिजल्ट्स, तो वो रैपो कैसे एस्टेब्लिश करना, वो भी एक पिलर है। नंबर तीन, पहला है यू, नंबर दो है प्री सपोजिशंस, नंबर तीन है रैपो। नंबर चार, चौथा जो स्तंभ है वो है आउटकम। आउटकम मतलब आपके गोल्स क्या, व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या, वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ये मालूम ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, वो ही क्लियर नहीं तो आप कहाँ जाओगे, मालूम ही नहीं क्या करना है। तो आउटकम जो है, गोल्स, वो हमको तय करना जरूरी है। और उसके लिए बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब जो आखिरी जो है उसको दिमाग में रख के आज काम करना चालू करो। रिजल्ट क्या होने वाला है वो देख के, रिजल्ट क्या चाहिए वो देख के आज काम चालू करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। पांचवा जो है वो है फीडबैक। एनएलपी बोलते हैं कि फीडबैक लेना जरूरी है। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका फीडबैक हमको आता है, पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव आया तो हम वही रिपीट कर सकते हैं, निगेटिव आया तो हम डिलीट कर सकते हैं, निगेटिव आया कोई क्रिटिसाइज करता है तो सुधर सकते हैं। तो फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। और नंबर छः है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन, कि भाई आप एक तरह से जा रहे हैं, एक रास्ते से जा रहे हैं, एक कोई एक्शन ले रहे हैं, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, फिर ज़बरदस्ती वहीं क्यों चिपक के बैठना है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है ट्राई किया नहीं हो रहा है, चलो और रास्ता ढूंढ लेंगे, और रास्ता ढूंढ के अगर हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेटली सफलता मिल सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो यदि काम नहीं कर रहा है तो डू समथिंग एल्स, एक रास्ता काम नहीं चल रहा है तो दूसरा रास्ता पकड़ना जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत जरूरी है, लचीलापन। तो ये छह पिलर्स जो है एनएलपी के, जिसके ऊपर एनएलपी खड़ी है, वो मानना जरूरी है, उसका स्वीकारना, स्वीकृत करना और वहाँ से काम करना बहुत जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।